हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रोपोजिशन पर। और दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। लॉजिकल इक्विवेलेंस के बेस पर यहाँ पे कुछ अलजेब्रा होता है प्रोपोजिशंस के लिए, जिसको आज हम देखने वाले हैं। कुछ रूल्स होते हैं जो लॉजिकल इक्विवेलेंस पर डिपेंड होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अलजेब्रा और प्रोपोजिशन। इसमें क्या होता है, जो आपको रूल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये लॉजिकल इक्विवेलेंस के बेस पर होते हैं और हम यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स जो आपको LHS और RHS दिख रहा है, इसमें हम LHS को RHS से या फिर RHS को LHS से रिप्लेस करके सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। जैसे पहला जो रूल है वो है हमारा आइडियापोटेंट लॉस, ठीक है। और यहाँ पर जो रूल्स आपको दिख रहे हैं ड्यूअल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि जहाँ पर आपको और का सिम्बॉल दिख रहा है, हम उसको यहाँ पे एंड के सिंबल से भी देख सकते हैं। यदि कहीं ट्रू है तो फिर फॉल्स में आ जाता है, और फॉल्स है तो कहीं ट्रू में आ जाता है। जैसे पहला जो रूल है वो है हमारा आइडियापोटेंट लॉस। इसमें क्या होता है, यदि आप किसी स्टेटमेंट के साथ उसी का और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको वापस से वही स्टेटमेंट मिलेगा। देन क्या लिखा हुआ है, पी और पी लॉजिकल इक्विवेलेंट इज़ पी। इसी तरह पी एंड पी लॉजिकल इक्विवेलेंस पी, यहाँ पे लॉजिकल इक्विवेलेंस भी कह सकते हैं या फिर इक्विवेलेंट भी इसको सिंपली कह सकते हैं। सेकंड रूल है एसोसिएटिव लॉस। इसमें क्या होता है, पी और क्यू और आर, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा चेंज करके ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे पी और क्यू पहले ऑपरेशन किया है उसके बाद आर किया है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्यू और आर का पहले कर सकते हैं उसके बाद पी के साथ इसका और ले सकते हैं। इसी तरह एंड के साथ कर सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉस में क्या होता है, इनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे P और Q है, इक्विवेलेंट किसके होगा, ये Q और P का। इसका ड्यूअल फॉर्म क्या है कि यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे P एंड Q लिखा हुआ है, इसको हम Q एंड P भी लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस में क्या होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मीन्स ओपन करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है P और Q एंड R, तब हम क्या कर सकते हैं, P और Q, तो यहाँ पर पहला कॉम्बिनेशन आ गया P का और Q का, फिर बीच में सिंबल क्या आएगा, एंड, और फिर क्या जाएगा, पी और आर। इसका अगर हम साइन चेंज करते हैं तो जहां और लगा हुआ है वहां पे एंड लगा देते हैं, और जहां पे एंड लगा हुआ है वहां पे और लगा देते हैं। इसी तरह फिर है हमारा आइडेंटिटी लॉस। आइडेंटिटी लॉस में क्या होता है, पी और टी, टी फॉर ट्रू। तो यदि पी और ट्रू करते हैं तब क्या मिलेगा, पी मिलेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर इसका डबल फॉर्म देखें तो और की जगह क्या होगा, एंड ऑपरेटर हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रू की जगह क्या लगाना है, फॉल्स लगाना है। तो यहाँ पे पी एंड फॉल्स इक्विवेलेंट टू पी। इसी तरह पी और ट्रू इक्विवेलेंट टू ट्रू हो सकता है, और के साथ क्या होगा, पी एंड फॉल्स इक्विवेलेंट टू फॉल्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉस। इसमें क्या होता है, कोई स्टेटमेंट है उसके साथ यदि हम उसका निगेशन लेते हैं और के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। लेकिन यदि हम स्टेटमेंट का निगेशन लेते हैं एंड के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। इसी तरह यदि हम ट्रू का नेगेशन करते हैं तो फॉल्स मिलेगा, और फॉल्स का नेगेशन करते हैं तो ट्रू मिलेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है इन्वॉल्यूशन लॉ। इसका ड्यूअल फॉर्म नहीं होता है, ये सिंगल ही है। यदि हम किसी स्टेटमेंट का नेगेशन लेते हैं और फिर उसका नेगेशन लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, वापस से वही स्टेटमेंट मिल जाएगा। लास्ट में है डी मॉर्गन्स लॉस। इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P और Q का क्या है, नेगेशन है। यदि हम इसको ओपन करते हैं तो नेगेशन P और नेगेशन Q मिलेगा, लेकिन जो सिंबल और का है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे डिसजंक्शन का कंजक्शन हो जाता है। इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं तो बीच में सिंबल आपको किसका दिख रहा है, कंजक्शन का दिख रहा है, इसको ओपन करेंगे तो किसका हो जाएगा, डिसजंक्शन का हो जाएगा। इन सब रूल्स के बेस पर यहाँ पे एक और रूल निकल कर आता है, जिसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन रूल। इसके भी दो फॉर्म हैं, पी और पी एंड क्यू इक्विवेलेंट पी, और सेकेंड है पी एंड पी और क्यू इक्विवेलेंट टू पी। ये भी एक रूल यहाँ पे बनता है। तो फ्रेंड्स, ये है
अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।